इस धरती पर वैसे तो बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन आज की बदलती दुनिया में तेजी से जंगलों का सफाया हो रहा है और उनकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे धरती पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसके बावजूद जंगलों की कोई कमी नहीं है, कई तो इतने विशाल और खतरनाक हैं कि अगर कोई उनके अंदर घुस जाए तो बाहर निकलने में कई दिन लग सकते हैं और हो सकता है कि आप तरह तरह के जानवरों के शिकार भी हो जाएं। ऐसा ही जंगल है अमेजन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा सांप एनाकोंडा भी इसी अमेजन के जंगलों में पाया जाता है, जिसे आप लोगों ने हॉलीवुड की कई मूवी में देखा होगा। एनाकोंडा दुनिया में पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे लंबा सांप होता है, जो लगभग 30 से 40 फीट का होता है। और क्या आप जानते हैं अमेजन जंगल में अकेले जाना मतलब मौत को दावत देना है? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे अमेजन जंगल के वो खौफनाक रहस्य जो कोई नहीं जानता, ऐसे रहस्य जो आपका दिमाग हिला देंगे। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि यहां पर रहने वाले आदि मानव बहुत खतरनाक और जीव काफी ज्यादा जहरीले क्यों होते हैं, और साथ ही यह भी बताएंगे कि यह जगह इतनी खूबसूरत कैसे है और डरावनी किस वजह से है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेजन रैन फॉरेस्ट धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं जिससे सूरज का प्रकाश यहाँ की जमीन तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ हमेशा लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो वाकई में विचित्र है। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से आता है। अमेजन के जंगल में सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफी खतरनाक और रहस्यमय भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वर्षावन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह जंगल धरती के वातावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने का काम करता है। वैसे तो दुनिया भर में बड़े बड़े सांपों को देखने के बारे में कहा जाता है, लेकिन अमेजन जंगल में उससे भी बड़े सांप मौजूद है जिन्हें लोगों ने देखा है। अमेजन जंगल के आदिवासियों की माने तो यहां विशालकाय सांपों का होना आम बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार एनाकोंडा सांप 30 फीट तक के हो सकते हैं। पेसी फोसीट, दक्षिण अमेरिकी खोजकर्ता, ने अमेजन जंगल में शोध करते हुए अपना जीवन बिता दिया। उन्होंने साल 1906 में एक अभियान के दौरान 62 फीट लंबा एनाकोंडा देखा था और उस पर गोली चलाई थी। खोज के दौरान उन्होंने 70 फीट लंबा एनाकोंडा देखने का दावा भी किया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई ऐसे रहस्यमय जीव देखे जो चौंका देने वाले थे। अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ आज भी अमेजन जंगल में जिंदा हो सकता है। अमेजन जंगल में आज भी विभिन्न प्रकार की आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। किनारे पर रहने वाली जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के अंदर रहती है, जिसके कारण इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। यह आदिवासी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। अपनी बस्तियों के आसपास यह लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यहाँ एक ऐसी जनजाति भी रहती है जिसके सदस्य काफी लंबे हैं और इनकी आंखें नीली होती हैं। अमेजन के जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम नहीं जानते हैं। इस जंगल में हर साल हजारों लोग खो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते, जिसमें से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं और वापस आकर वह ऐसी कहानियां बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद है जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती है। कई लोगों ने बड़ी मकड़ियों को इंसानों का शिकार करते हुए देखने का दावा भी किया है। आपने महामानव और यति के बारे में सुना ही होगा। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेजन के जंगलों में मैरीकॉक्सी को देखने के किस्से मौजूद है। यह आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है। इसकी लंबाई 12 फीट होती है। ये काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास धनुष तीर होते हैं। यह एक साथ गांव बनाकर रहते हैं।
जब ब्रिटिश शोधकर्ता फेसिड दक्षिण अमेरिका के जंगलों को देख रहे थे, तभी उनके सामने मैरीकॉक्सी आ गया था। फेसिड ने बताया यह जीव मक्सू बी ट्राइब के उत्तर की ओर रहते हैं। जब फेसिड की टीम इनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। जमीन में गोलियां चलाने से वह लोग डर कर भाग गए। आज तक मैरीकॉक्सी के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। यहाँ की प्रकृति ही नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाले प्राणी भी भयभीत करने वाले और रहस्यमयी है। यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के साथ इंसान भी मरने मारने को आतुर रहते हैं। इन इंसानों के अद्भुत बल को देखकर ऐसा लगता है मानो वह सभी महाभारत के वीर अभिमन्यु की तरह अपने हाथों में बल और शक्ति लेकर पैदा हुए हैं। इस जंगल में हर कदम कदम पर मौत का डरावना मंजर दिखाई देता है। आपको बता दें कि अमेजन जंगल के सबसे खूबसूरत दिखने वाले मेंढक का सच बहुत ही भयानक है। जब आप अमेजन के जंगल में पाए जाने वाले इन मेंढक को देखेंगे तो वह इतने सुंदर होते हैं कि वह आपको आकर्षित करने लगेंगे, क्योंकि इनके शरीर का रंग हरा पीला दिखाई देता है। लेकिन अगर इनको कोई छू लेता है तो इनका विष किसी की भी जान ले सकता है। अमेजन जंगल में एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों ऐसे विचित्र जीव है जो अपने आप में रहस्यमयी और अद्भुत है, और वह जानवर पूरे अमेजन के जंगल में आतंक मचाए हुए है। अमेजन के जंगल में आसमानी आफत भी कम नहीं है। अमेजन जंगल की धरती और आसमान दोनों ही खौफनाक है। अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु के साथ साथ अमेजन के आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी बहुत खतरनाक और जहरीले होते हैं। इन पक्षियों में एक ईगल नाम का पक्षी है जो जीव जंतुओं को जिंदा उठा ले जाता है और उन्हें मार डालता है। अमेजन के जंगल में एक ऐसी भी नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है, इसीलिए इसे उबलती हुई नदी भी कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे थर्मल रिवर के नाम से जानते हैं और इसी नाम से यह पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन अमेजन जंगल में रहने वाले लोकल आदिवासी इसे लाबोम्बा कहते हैं। वहीं कुछ कबीले इस नदी को मयान तुयाकू के नाम से भी जानते हैं। इस नदी की खोज साल 2011 में भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने की थी। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इस नदी का पानी शायद ज्वालामुखी की वजह से उबल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नजदीक ज्वालामुखी है वह लगभग 700 किलोमीटर दूर है। यानी यह बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा है। इस नदी का पानी क्यों उबल रहा है इस पर कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है। रहस्यमयी, खौफनाक, डरावने अमेजन जंगल का रहस्य अभी तक अनसुलझा है। यहाँ की भौगोलिक वातावरण की विचित्रता को समझना असंभव है। अमेजन जंगल में कभी भीषण बारिश होती है तो कभी तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती को बहा कर ले जाएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।